नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने संभाला पदभार। पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा जरूरत हुई तो बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को हूं तैयार। नए एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने राफेल की जमकर तारीफ की, कहा इससे भारत को चीन और पाकिस्तान पर मिलेगा माइलेज। आज रिटायर हुए वायुसेना चीफ बीएस धनोआ, वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जमीन पर भारतीय सेना की बड़ी मारक क्षमता, ओडिशा में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, मेंढर इलाके में की अंधाधुंध गोलाबारी, 7 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर एनआईए का बड़ा खुलासा, टेरर फंडिंग में पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद का हाथ। एनआईए की 214 पन्ने की जांच रिपोर्ट में खुलासा, कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद देता था करोड़ों रुपए। एनआईए के मुताबिक यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, शब्बीर अहमद शाह, मशरत आलम और राशिद इंजीनियर जैसे नेताओं ने आतंकी हाफिज के लिए करोड़ों रुपए जुटाए। हाफिज से पैसे लेने वाले 5 अलगाववादियों पर एनआईए दाखिल करेगा चार्जशीट, यूएपीए के नए कानून के तहत होगी कार्रवाई। श्रीनगर में नजरबंद महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, कहा कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के लिए कश्मीरी मुसलमानों को जिम्मेदार बताना गलत। महाराष्ट्र में आज होगा बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी महासचिव और महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से शिवसेना को 124 सीट मिलने की खबर। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 146 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 18 सीटें अन्य के खाते में। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, शिवसेना जल्द कर सकती है ऐलान। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर बीजेपी चुनाव कमेटी की हुई बैठक, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल होंगे 6 विधायक, आज ऐलान संभव। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 51 उम्मीदवारों की लिस्ट, प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के नाम शामिल। यूपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, चिन्मयानंद पर रेप का केस दर्ज कराने और पीड़ित छात्रा की रिहाई की मांग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने उठाया, कहा उत्तर प्रदेश में अपराधियों को सरकार का संरक्षण। प्रियंका गांधी का आरोप, योगी सरकार शाहजहांपुर की बेटी की आवाज को दबाना चाहती है। चेन्नई पहुंचे पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के 56वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। पीएम मोदी ने आईआईटी में छात्रों के बनाए उपकरण देखे, छात्रों से ली रिसर्च की जानकारी। चेन्नई में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन को भी किया संबोधित। एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, भारी तादाद में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने प्लास्टिक पर अपना संदेश किया स्पष्ट, कहा प्लास्टिक फ्री इंडिया की बात नहीं की, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होगा भारत। हरियाणा की करनाल सीट से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिलेगा बीजेपी से टिकट, सूत्रों से खबर। 18 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, 21 अक्टूबर को होगी वोटिंग। यूपी की प्रतापगढ़ सीट अपना दल के खाते में। गुजरात की साधनपुर सीट से अल्पेश ठाकुर को बीजेपी का टिकट। 64 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव, यूपी में सबसे ज्यादा 11 सीटें, एक लोकसभा सीट पर भी होगी वोटिंग। सीएम केजरीवाल पर प्रांतियों पर दिए बयान पर बढ़ा विवाद, कहा था बिहार से 500 का टिकट लेकर आते हैं लोग, दिल्ली में करा रहे हैं 5 लाख का फ्री इलाज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा यूपी बिहार के साथ दूसरे राज्य के वासियों से केजरीवाल का है घृणा भाव। अहमदाबाद में रैपिड एक्शन फोर्स के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, परेड की ली सलामी। बैंड की धुन पर आरएएफ जवानों की मार्च, महिला सुरक्षा बल की टुकड़ी भी रही शामिल। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विजू खोटे का 78 साल की उम्र में निधन, फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाकर पाई थी बेमिसाल शोहरत। लौटते मानसून के कहर से यूपी बिहार में हाहाकार। बिहार में आज नहीं थमेगा कुदरत का कहर, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में हाईकोर्ट के जज के घर में भी भरा पानी, रेस्क्यू टीम ने बोट पर बिठाकर सकुशल निकाला जज का परिवार। कुदरत की कहर से वीआईपी भी नहीं बच पाए, पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई नेताओं के बंगलों में भरा पानी। पटना में बरसाती पानी से हाहाकार, शहर के कई इलाकों में 5 से 8 फीट तक जल भरा।
पटना के पौश इलाके श्रीकृष्णपुरी में सैलाब का संकट जारी। सीएम नीतीश आज केंद्र से मांगी दो हेलीकॉप्टर्स की मदद। पटना में जलभराव के तीसरे दिन टूटी सीएम नीतीश की नींद, पानी निकालने के लिए कोल इंडिया से मांगे पंप। पटना के श्रीकृष्णपुरी में बचाव दल की हुई फजीहत, एनडीआरएफ की टीम अपने साथ बोट तो लाई लेकिन उसे चलाने के लिए नहीं था पेट्रोल। आगे गई हुई है डीसी आर साहब, उधर से आ रहे हैं, उधर से इसका ईंधन आएगा तो ये भी रनिंग हो जाएगी। चार दिन की बारिश से वाराणसी का बुरा हाल, सड़कों पर तैरती दिखी मछलियां। कई बस्तियों में मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह डूबी, कई लोग सामान लेकर भागे। पटना और दरभंगा में आज और कल स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश के बाद प्रशासन का आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुदरत पर फोड़ा बर्बादी का ठीकरा, कहा मौसम पर किसी का काबू नहीं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश से 3 दिन में 107 लोगों की मौत, गंगा के नजदीक के इलाकों पर कहर। बलिया में बारिश के कहर से जेल में अफरा तफरी, बैरक में पानी भरने से 500 कैदियों को शिफ्ट किया गया आजमगढ़ जेल।